डियर स्टूडेंट्स, BTUP की तरफ से इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। कॉपी चेकिंग BTUP के जो कॉपी चेकिंग का कार्य है तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको बता दूं और अभी तक कितनी परसेंट कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं वो आपको लाइव प्रूफ के साथ बताया जाएगा, और किन बच्चों का बैक लग रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बच्चों का बैक लगा था, क्या रीज़न था वो भी आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि इस बार का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं तो हो सकता है जल्दी कापी चेक होने वाली हैं आप लोगों की, ज़्यादा नहीं बची हैं वो भी आपको बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है और रिजल्ट कब आएगा इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो रिजल्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। अगर कहो कि दोबारा इसे बता दीजिए कि तो दोबारा वीडियो बन जाएगा, उसका टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। डी फार्मा सभी की बात कर रहा हूँ। देखिए अभी तक हम बात करें तो कितनी परसेंट कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक लगभग लगभग आपका 70% से लेकर 80% तक कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं आप लोगों की। मैं बता दूं मात्र 30% कॉपी ही बाकी बची हैं काफ़ी चेक होने के लिए। 30 से 20% आपकी कॉपी बची हैं चेक होने के लिए। कैसे बच्चों का है वो बैकलॉग लग रहा है? देखिए जिन बच्चों ने कॉपी अपनी गलत तरीके से रिप्रेजेंट की है, पूरी कॉपी मतलब कहें एक तरीके से नंबर लिख दिया है, तो उनको तो 0 नंबर मिलेगा। UFM के तहत उनकी मोबाइल नंबर लिख के आएगा कॉपी में, पिछली बार भी ऐसा आया था। लेकिन इस बार क्या है, बैक किन बच्चों का लगता है जो ज़्यादातर क्या BTUP बोर्ड ही ऐसा है, इसमें क्या कर सकते हैं। पिछली बार बच्चों ने अच्छा लिखा था फिर भी बैक लगा दिया था, तो टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, दुआ करूँगा मैं तो सभी बच्चों का, जो किसी का भी बैक नहीं आए मैं तो सभी से दुआ करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी बच्चों को ज़्यादातर बैकलॉग ही दिए गए था। पिछली बार एक केस हो गया था कि लड़के की जो कॉपी थी वो मतलब वीडियो कॉल्स जरिए, आपने पिछले बार केस देखा होगा, कॉपी चेक हो रही थी। इस बार रूल अलग बनाए गए हैं इसी के लिए, तो वो चीज़ अभी आपको दिखाते हैं, ठीक। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल सके। देखिए जब अपडेट आती है तभी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों न्यूज आई थी कि सरकारी शिक्षक की कॉपी चेक करेंगे, और 10% कॉपी अगर चेक हो जाएगी तो उसका एक औसत कॉपी चेक कर, यानी कि हेड एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है। और देखा जाए इस तरीके से तो आप लोगों की कॉपी चेकिंग का कार्य है वो 22 तारीख को स्टार्ट हो गया था, तो 22 से देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना वही लगभग आप लोगों का लास्ट तक हो सकता है रिजल्ट आ जाए, मार्च लास्ट तक। ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च लास्ट तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। अब इसमें देखिए क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रिजल्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा इस बार। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो रिजल्ट का आ जाएगा। पहले 32 केंद्र होते थे, इस बार 82 केंद्र कर दिए हैं, केंद्र बढ़ा दिए हैं, तो कॉपी चेकिंग तेज़ी से हो रही है। जैसा कि आपने देखा जैसे केंद्र बढ़े हैं तो कॉपी चेक करने वाले भी बढ़ेंगे, तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कॉपी चेकिंग का कार्य तेज़ी से हो रहा होगा। अब ऐसे में काफ़ी लोग ये कह रहे थे, पिछली बार ये मुद्दा हुआ था वीडियो कॉल के जरिए कॉपी दिखाई गई थी इस तरीके से, पिछली बार एक केस हो गया था इसीलिए पिछली बार ज़्यादा बैकलॉग लगा था, लेकिन इस बार कम चांसेस हैं। अगर आपने सही लिखा है तो टेंशन ना लो आपका बैक नहीं आएगा, अच्छा लिखा है तो बैक नहीं आएगा, क्योंकि सचिव भी इस बार चेंजेस हुए हैं। आपको पता है अजीत कुमार मिश्रा जी इस समय हमारे सचिव हैं। 11 लाख कापियों का मूल्यांकन होना है जैसा कि आपको पता है, और ये जो कदम क्यों उठाए जा रहे हैं क्योंकि मूल्यांकन पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ गई थी पिछली बार, आपने देखा था है ना, ये कह रहे थे, तो पिछली परीक्षा का परिणाम सही समय पर आ जाएगा ऐसा उनका कहना है। सही समय बोले तो सही समय तो अभी तो जैसा कि मैंने बताया तो वही चीज़ इसमें हो सकती है। एक तो केस आपका ऐसा बन सकता है कि मान लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है 10% या 5% केस में रियर केस ऐसा होता है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसा रियर केस में होता है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड है, मैंने बता दिया है कि कब तक आएगा, लास्ट मार्च तक जा सकता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कहोगे तो बता दूंगा कि रिजल्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा। फिलहाल अभी तो आपकी कॉपी चेकिंग कार्य तेज़ी से हो रहा है, जैसे थोड़ा और अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। आज के सेशन को ही प्रेजेंट करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।